चलो फिर स्टार्ट करें। हेलो श्रेया, कल मैंने तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करा दिया था। कौन सा चैप्टर था? आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये थर्ड चैप्टर का स्टार्ट करा दिया था। अब आज उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल मैंने सबसे पहले डिस्कस किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने ये कहा था कि जो भी दो चीजें या एक चीज या जो भी रिएक्ट कर रहा है, यानी कि अगर एक चीज मान लो दो पार्टिकल में टूट रहा है, तो दोनों तरफ का मास सेम रहता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल भी बताया था कि जैसे कॉपर, इसमें कौन सा एग्जांपल था, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है तो उसको गर्म करने के बाद वो जब दो पार्टिकल में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 56 ग्राम और एक 44 ग्राम, यानी कि इधर भी टोटल कितना हुआ, 100 ग्राम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मैं बता रहा था तो बीच से वो टूट गया था कनेक्शन, क्लास खत्म हो गई थी। इसको समझो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, दिख रहा है, देखो लॉ ऑफ दिख रहा है, दिख रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर पहले कंसंट्रेट करो। कोई भी एटम होता है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जेड एक्स ए। पहले समझ लोगे तो आसानी से सब चीजें समझ में आना चालू हो जाएगी। जेड एक्स ए, जेड को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये बल्कि अलग सही कर लेना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं है अलग, ठीक है, बट ये अलग सी चीजें हैं। जेड को हम कहते हैं एटॉमिक, ये फिर आएगा, अभी आएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह आएगा सब, लेकिन चूंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जरूरत पड़ रही है इसलिए भी थोड़ा पहले बताना पड़ रहा है। जेड एक्स ए, जेड को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जेड को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। X सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड A जो है इसको हम कहते हैं, इसको कई नाम से बुलाते हैं, इसको जरा देख लो, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मास भी कह सकते हैं, इसके बाद एटॉमिक मास भी कहते हैं, मास नंबर भी कह सकते हैं, एटॉमिक वेट भी कहलाता है। इसको इतने नाम से बुला सकते हैं एक। अब ये क्या होता है जरा ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, नोट करो करो करो, नोट कर लो पलक श्रेया।
सब कुछ इसी पर आधारित है, जेड एक्स से पर। हो गया नोट? अब जेड एक्स ए है, कोई भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो भी एलिमेंट मिलते हैं वो सभी इस तरह से लिखे जा सकते हैं। अब जरा हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि आखिर जेड क्या होता है और ए क्या होता है। इसके लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा। देखो, हाइड्रोजन है मान लो, सबसे पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है अंदर न्यूक्लियस में, जो बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो सबसे भारी पार्ट होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ऑर्बिट होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। अब जरा इसके बारे में देखते हैं। हमने जो जेड कहा था, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर था। ये जेड क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर जो है हो जाता है जेड। यानी कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन होता है तो यहाँ जेड इक्वल्स टू कितना आ गया? बना गया। चेयर ले लो, इसको मत लाओ, चेयर वो है, वो ले लो आराम से, तुम थोड़ा सा इधर से इधर ही रख लो, इधर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हटो, इधर रख लो, गिर जाएगी। नहीं गिरोगे? नहीं, गिर जाएगी। अच्छा रुको, एक थोड़ा सा शिफ्ट करो। चलो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है हाइड्रोजन। ठीक है, मैं कुछ कंपोनेंट बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ एलिमेंट के बारे में बता दे रहा हूँ। हाँ, अब इसकी एटम बनने की कंडीशन यहाँ पर एक न्यूट्रल एटम बनने की, ठीक है, मैं रेडियो एक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमेशा ध्यान रखना जानसी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हर एटम की कंडीशन है, अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 29 प्रोटॉन है तो 29 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? यानी कि जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर आ जाता है। एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जितने प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। यानी जेड इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। यहाँ पर एक प्रोटॉन है तो जेड इक्वल्स टू 1। क्लियर? इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर चूंकि न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो जो ए होता है, ए के बारे में मैंने बताया था, जिसको हम एटॉमिक मास कह रहे थे, ए का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि जो ए होता है उसमें न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले सारे पार्टिकल के बारे में चर्चा होती है। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, वो तो एक इकलौता केस हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं है, इस वजह से ए की भी वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? 1। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? 1H1। भाई जेड एक्स ए मैंने कहा था, जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
यानी कि एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या होता है एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास में मैंने क्या प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन बताया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ कहीं गिनती नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन केवल केमिकल रिएक्शन के लिए यूज होता है, बाकी कोई एलिमेंट की पहचान देनी है तो पहचान देने में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं। क्रोमियम है Cr2O7 वैलेंसी -2 है टोटल। हाइड्रोजन इकलौता केस है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। देखो एक बात समझ लो, न्यूट्रॉन इज लाइक अ जो है वो क्या होता है उसके न्यूट्रॉन इज लाइक अ बिचवानी, समझे? यानी कि वो क्या करता है, वो मैटर को सॉल्व करता है। अभी यहां पर एक ही प्रोटॉन है, और तो प्रोटॉन है नहीं, तो एक ही प्रोटॉन है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, युद्ध होगा ही नहीं किसी से। लेकिन जहां दो प्रोटॉन हुए हैं वहां पर खेल चालू हो जाएगा। यहां पर भी एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है तो किससे लड़ाई करेगा, किसी से नहीं है नहीं न्यूक्लियस के अंदर कोई, और लड़ाई किससे करेगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लेकिन दूसरा देख लो जरा हीलियम। अब नेक्स्ट है हीलियम जो दूसरे नंबर पे होता है। हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। तो किनारे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे ऑर्बिट में, पहली ऑर्बिट इसकी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो प्रोटॉन है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतना ही निगेटिव जुड़ जाएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ इसका जेड कितना हुआ, जेड मैंने कहा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन है इसमें, दो प्रोटॉन। और ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कितने पार्टिकल हो गए, फोर। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2H4। भाई हीलियम है ना, तो हीलियम है इसका पूरा नाम, तो हीलियम का शॉर्ट फॉर्म एच ही होता है। और इसका जो नीचे बेस है, बेस मतलब इसमें एटॉमिक नंबर 2 है, और एटॉमिक मास कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? हर्षिता समझ में आ रही चीज? हाँ। और श्रेया? यस भैया। पलक? पलक? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट होता है थर्ड नंबर पे होता है लिथियम। लिथियम में तीन प्रोटॉन होते हैं लिथियम का। एल आई है कहाँ गया, बाकी LI है, जरा वो पीरियोडिक टेबल लाओ। ये लो पकड़ो, लिथियम का बोला वो बुक लाओ। अच्छा ये है, अरे इसमें ला पीछे ला पीछे। रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है ना इसमें, हमें रिलेटिव नहीं देखना है इसमें, दूसरा वाला देखना। अरे यार पीरियडिक टेबल कहाँ चले गए, मैं पीछे खा था ना उसमें। चलो देखो इधर, लिथियम में तीन प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन हो जाते हैं।
और लिथियम, इसमें Z इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो भी 3 हो जाएगा, तो इसमें 6 हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं 3Li6। ऐसा ही सबका चलता है, ठीक है, बट जो जैसे उसमें एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में पॉइंट में दे रखा है, जैसे 6.94 है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो बता देंगे, अभी फिलहाल ये जनरल सी चीज, छोटी सी चीज मानो, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के टर्म्स, ठीक। अब इसके बाद ये समझ गया कि कैसे ये सिंबल लिखा जाता है, ऊपर वाले का क्या मतलब होता है, नीचे वाले का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब जैसे जेड एक्स से है तो अगर न्यूट्रॉन मान लो निकालने को बोल दिया जाए तो न्यूट्रॉन माइनस करके निकाल लो, नोट हो गया सबका, सबका पलक, श्रेया, हर्षिता, हाँ भैया, तो अब यहाँ पर हम समझते हैं, अभी धीरे धीरे और भी चीजें आती जाएंगी, अभी तो केवल थोड़ा सा दे दिया हमने इंट्रोडक्शन, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। जैसे हमने मान लिया पानी, अच्छा न्यूट्रॉन, चलो न्यूट्रॉन कैसे निकालते जरा देख लो, जेड एक्स ए होता है, ए मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मतलब होता है प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू ए माइनस जेड, ए से जेड को माइनस कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जहां न्यूट्रॉन जो है, जहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होने लगेंगे तो वहां पर जो भी हो, जहां पर जो न्यूट्रॉन है अगर प्रोटॉन से ज्यादा हो गए तो वो फिर स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल बन जाता है, उसको रेडी, हो गया देखो नोट तुम्हारा है ना, अभी नोट हम देखो बनवाएंगे, चलो देखो इधर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अब समझते हैं। जैसे हमने ले रखा है वाटर, वाटर में H2O होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है क्या होता है H2O, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन। अब तुम चाहे तो बढ़िया जो है सागर पानी ले लो, ठीक है, यानी सी का, चाहे तो रिवर का पानी ले लो, ठीक है, चाहे तो नाला, नाला नजर होना चाहिए, नाला सी वाली बोल बेकार, नाला शब्द अच्छा है। अब तीन जगह का तुमने पानी लिया, तो तीनों जगह का पानी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, पानी में कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, मैंने पानी की बात करी है, बाकी चीजों की तो बात नहीं करी, तो केवल मैं पानी की बात कर रहा हूँ, पानी का मतलब प्योर H2O की बात कर रहा हूँ। सी में भी नमक मिला रहता है पानी के साथ साथ, वो तो पीने लायक नहीं होता, नदी का पीने लायक होता है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट साल्ट होते हैं जो हमको जरूरी होते हैं, हमें अच्छे भी लगते हैं, हम पानी पी सकते हैं, समुद्र का नहीं पी सकते, ज्यादा पी लोगे तो अंदर सब सड़ा जाएगा, हैं? हाँ ये वाला पी सकते हो फिल्टर कर होने के बाद, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है, जो भी टेस्ट होता है उसमें मिली हुई चीजों का होता है। अगर आप जो है हैंडपंप से भी पानी लेते हो तो कहीं मिट्टी के तेल की बदबू आती है, उसको मतलब अच्छी सुगंध कहेंगे, पानी पीने में वो भी अच्छा लगता है मिट्टी के तेल का, है ना, कहीं जो है मीठा पानी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, कहीं अलग होता है, कोई बेसाद होता है, अलग अलग जगह का भी, अभी यहीं पर मेन रोड पे ही अभी मान लो 3 हैंडपंप लगे, मान लो अलग अलग हैंडपंप का निकालोगे उसका अलग अलग स्वाद आएगा, समरसिबल का अलग आ जाता है, ठीक, तो वो स्वाद तो उसमें मिले हुए साल्ट की वजह से है, वरना प्योर H2O का कोई स्वाद नहीं होता। डिस्टिल्ड वाटर कभी पी के देखना, उसमें कोई स्वाद नहीं,
आ रहा कि नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना। तो जो मेन पानी की बात हो रही है वो हो रही है। अब ये सब तो मिक्सचर है ना, सी में भी जो वाटर है मिक्सचर ऑफ H2O प्लस NaCl KCl इस तरह का चीजें और मिली रहती है, ये तो मिक्सचर है, प्योर थोड़ी ना। रिवर में भी साल्ट होते हैं, ठीक है, चूना पत्थर वगैरह सब होते हैं, नाले के में तो कुछ ज्यादा ही मिक्सचर होता है। हम इन सब को प्यूरिफाई करके पी सकते, सभी को प्यूरिफाई करके पिया जा सकता है, क्योंकि हमें तो पानी चाहिए, पानी के साथ साथ कुछ साल्ट फिल्टर से, ये वाला फिल्टर थोड़ा, वो जो नाले वाला जो काम है ना, वो जैसे जो बहुत विकसित देश है उनमें नाले के पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। स्विट्जरलैंड में शायद पता नहीं होता है, या शायद सिंगापुर में क्लोरीन तो अलग चीज है, वो तो एक जनरल चीज है भाई, गंगा बैराज से या कहीं से भी पानी आता है ये वाला पानी सप्लाई का, तो उसमें क्लोरीन मिला देते हैं, ये तो ऑलरेडी साफ करा हुआ पानी आ रहा है, इसके लिए मैं नाले के पानी को आता, इसके लिए अलग फिल्टर चाहिए। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, क्लोरीन इतनी मात्रा में नहीं डाली जाती जो नुकसान करे, क्लोरीन इतनी मात्रा में डाली जाती है कि उसमें जो बैक्टीरिया है वो सब खत्म हो जाए पानी में। बाकी तो साफ करने के लिए और भी चीजें हैं, बाकी लास्ट जो प्रोसेस होता है वो क्लोरीनीकरण होता है, ठीक है, क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन से बैक्टीरिया सब खत्म हो जाते। बस सुन आ रहे कि नहीं आ रहा, बस इस वजह से तो कड़वा कड़वा था थोड़ा सा, सब जैसे सप्लाई का पियो तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो क्लोरीन की वजह से होता है, नुकसान नहीं करता, बचपन से सब लोग वही पीपी के यहाँ बड़े हुए हैं, अब आजकल सबके पास ज्यादा पैसा आकर फिल्टर लगवा दिया है, वो तो सबसे ज्यादा बेकार है, क्या बताएं, हम बगल में पानी पीते हैं, दिन में एक बार जो है एक बोतल वहां जरूर पीएंगे, बाकी तो काम चलाने चलता रहता है, एज अ केमिकल हम लेते हैं अपने पानी का। अब आलस बुरी वाला है, वरना हैंडपंप से पानी ले आते, देखो जरा तो मैंने कहा कि जहां का पानी ले लो, जिस जहां से भी पानी निकालोगे तो पानी का जो H2O का फॉर्मेशन है ये नहीं बदलेगा, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब H2O का अगर रेशियो निकालोगे एलिमेंट का, जैसे H का हमने कहा H यहाँ पर कितना हो गया भाई, दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 1 होता है, इसका भी 1 होता है तो कितना हुआ 2 हो गया, इसका कितना होता है 8O16 होता है, ये 16 हो गया, दोनों का जब रेशियो निकालोगे 1:8 आ जाएगा, यानी कि पानी में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, इसी रेशियो में ही मिलेंगे। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भर दोगे, मान लो एक चैम्बर है, सुन लो, जब भी सुन लो भाई, क्या जब भी कहीं भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी जो बनेगा वो क्यों बनता है, अपने आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक चैम्बर में अगर भर दोगे अपने आप पानी बन जाएगा, क्यों बन जाता है, क्योंकि जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 8, यानी कि अब हाइड्रोजन का 8 तो टूटेगा ना, आएगा तो 16 ही 16 है ना, क्या अरे यार, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, यानी कि 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन होते हैं, सबके याद कर लो वरना मट्टी पसली एक कर देंगे। हाँ ये है सबके बुक में है, कम से कम 30 तक याद करने हैं एटॉमिक नंबर, तो कम से कम याद ही कर लो, 20 तक जो है एटॉमिक मास भी याद कर लो। चलो इधर देखो, ठीक है,
तो इधर सुनो भाई, क्या नीचे देख रहे हो? स्माइली की यही इज्जत है, नहीं पैरों तले दबा रही हूँ। हाँ क्या ट्रिक? नहीं कुछ नहीं, खाली एलिमेंट का सीक्वेंस याद कर सकते हो, वो अंकित सर बता देंगे किसी को। एलिना की रब से फरियाद ऐसी कुछ है। जहाँ जहाँ उनकी जरूरत पड़ेगी बोलेंगे। अब जैसे ये पीरियोडिक टेबल याद करने का, पीरियोडिक टेबल तुम लोगों में नहीं है, हालांकि इसके में है पीरियोडिक टेबल, लेकिन अब जैसे 30 तक एलिमेंट याद करने सीक्वेंस, तो वही बताएंगे कैसे तैयार होगा, वो पूरा गाना लिखवाएंगे। गाना देखा है? नहीं देखा, ठीक है इधर देखो जरा। तो ये चीज समझ में आ गया, H2O जो है हमेशा 1:8 के प्रोपोर्शन में मिलेगा। इसी तरह से और भी कंपाउंड है, तो यही होता है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मास के सेम प्रोपोर्शन में ही हमेशा कंबाइन होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर, ये तो खैर बड़ा क्वेश्चन, अभी छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं ये वाला देखो। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 1:1:8, ये तो हमने बता ही रखा है कि भाई होता है। व्हाट मास ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑक्सीजन गैस। इसने कहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मिलने का जो रेशियो है वो 1:8। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन गैस ले ली तो इससे पूरी तरह कंबाइन होने के लिए ऑक्सीजन गैस की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखो रेशियो है, ठीक, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है, ठीक। मास ऑफ हाइड्रोजन यहां पर 3 दे रखा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो भाई? मास ऑफ हाइड्रोजन 3 दे रखा है, 3 का 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 ग्राम। यानी कि 24 ऑक्सीजन का अगर होगा तभी वो 3 ग्राम हाइड्रोजन से पूरी तरह मिल जाएगा। क्या चीज? वो भी मैं करवा दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये बात क्लियर है? हर्षिता, श्रेया, अलग? हाँ भैया। ना समझ रहे तो फिर से पूछ लो। हाँ तुम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई क्यों किया? रेशियो इसने क्या रखा है, 1:8, तो यानी MH अपॉन MO, हाइड्रोजन का मास अपॉन ऑक्सीजन का मास का रेशियो इसने 1:8। अब यानी कि हमेशा रेशियो तो सेम ही होगा, तुम चाहे 3 ग्राम ले लो हाइड्रोजन, ठीक है, चाहे तुम जितना भी ले लो, रेशियो तो नहीं बदलेगा। तो हमने MH की जगह 3 रख दिया यहाँ पर। अब MO निकालना है तो MO इधर ले जाओ, 8 उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, समझ आ रहा? ये चीज है। अब जरा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये तो तुम्हारा वो है यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चलो उसका भी क्वेश्चन करा देते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नोट कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वाले, क्वेश्चन जो लिखा है उसको नोट कर लो, पहले ये वाला नोट कर लो जो हमने कराया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
क्वेश्चन कह रहा है इन आर रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन आर रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट क्या लिखो ना तुम लोग को भी लिखवा रहा तुम लोग इन आर रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद रिएक्टेड विद इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम अभी तक सो रहे थे बतिया रहे थे नहीं इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम रिएक्टेड विद 6 ग्राम of ethanoic acid reacted with 6 gram of ethanoic acid are abhi ka full stop the product were 2.2 gram of carbon dioxide the product were 2.2 gram of carbon dioxide comma 0.9 gram of water and some sodium एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पहले देख लो CH3COOH होता है CH3COOH होता है इसको हम कहते हैं एथेनोइक एसिड CH3COOH होता है इसको हम कहते हैं एथेनोइक एसिड कहा यह गया है कि किसी रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ठीक है तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिसका क्या है 6.0 ग्राम तो ये हो गया रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट क्या मिलता है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.9 ग्राम ये सोडियम कार्बन अरे शॉर्ट फॉर्म में फॉर्म लैंग्वेज बहुत लंबी 0.9 ग्राम ऑफ वाटर 0.9 ग्राम ऑफ वाटर ये क्या मिला था इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर 0.9 ग्राम ऑफ वाटर सम सोडियम एथेनॉइड सम सोडियम ऑफ एथेनॉइड बोला ठीक तो हम उसको लेट कर लेते हैं एक्स भाई जाहिर सी बात है कि ये सोडियम कार्बोनेट एथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो टोटल इसका मास कितना हुआ इसका मास हुआ 11.3 ग्राम ठीक और ये हमने अभी बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कि प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट तो इधर क्या हो जाएगा 2.2 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा 3.1 ग्राम प्लस तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11.3 माइनस 3.1 ठीक है कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8.2 ग्राम 8.2 ग्राम सोडियम एथेनॉइड मिलेगा ये है सिंपल सा क्वेश्चन है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नोट कर लो इसे
ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बेस पर और भी क्वेश्चंस लगवा देंगे हम। चलो एक इसमें एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी 8 + 3 कितना हुआ? 11, तो पूरा है 11 ग्राम।